हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, उग्राम मूवी के बारे में। ये फिर से कन्नड़ा मूवी है और ये मैं उन ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आप लोगों को पहले बता दूं, जो लोगों ने कन्नड़ा मूवी नहीं देखी या इस तरीके की अच्छी फिल्में नहीं देखी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो के थ्रू या इस चैनल के थ्रू उन ऑडियंस तक इस सारी की सारी फिल्में पहुंचे जो मोस्टली पहुंच नहीं पाती है। तो आजकल जो लोग जो हिंदी ऑडियंस है, जो बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं और बॉलीवुड की जो चूतियापन वाली फिल्में देखते हैं, तो उन लोगों को मैं कुछ अच्छी फिल्में सजेस्ट कर रहा हूं ताकि वो लोग भी देखें और एंजॉय करें और ये सारी की सारी फिल्मों को एप्रिसिएशन मिले। तो आज हम लोग बात करेंगे, काफी लोगों ने मुझे डिमांड की थी कि उग्राम मूवी के बारे में बात करना सर, उग्राम मूवी को देखना। तो फाइनली ये मैंने मूवी देख ली और ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगी और विद सबटाइटल मिलेगी, क्योंकि ये हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल मिल जाएगी, तो आपको समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये फिल्म इतनी अच्छी है कि जब ये फिल्म शुरू होती है तो कुछ ही देर के बाद आपका ये जहन से हट जाता है, अपने दिमाग से ये चीज हट जाती है कि यार ये मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज में। सच बता रहा, लैंग्वेज पे आपका ध्यान जाता ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि यार इस मूवी में आगे क्या होगा, यार ये मूवी कितनी जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, मतलब आपके दिमाग में सब ख्याल आएंगे और आप लोग यही सोचोगे कि यार अब तक कि हम लोग ने इस फिल्म को देखा क्यों नहीं। ये फिल्म को डायरेक्ट किया प्रशांत नील सर ने। अब वो प्रशांत नील कौन है, हुआ तो आपको पता होगा, केजीएफ चैप्टर 1 तो आप लोगों ने देखी होगी, तो वही डायरेक्टर है। और जो म्यूजिक केजीएफ चैप्टर 1 में दिया था वही म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि रवि वासूर भी यहाँ पर आपको नजर आते हैं। इस वजह से जो केजीएफ वाली फील है ना, वो आपको यहाँ पर महसूस होगी, हल्की सी मगर वो महसूस जरूर होगी। और जितने भी एक्शन सीक्वेंस है आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। केजीएफ चैप्टर 1 में जहां पर रॉकी भाई का नाम सुन के काफी दुश्मनों की हालत पतली हो जाती थी, बिल्कुल वही इस मूवी में भी अगस्त्या का नाम सुन के जितने भी दुश्मन है सबकी इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो जाता भी नहीं तो उनका नाम सुन के लोग मर जाते हैं। तो सोचो उसका जो खौफ कितना ज्यादा होगा। और अगस्त्या की एक अच्छी बात रॉकी भाई में भी थी, वो ये थी कि वो भले दुश्मनों के लिए मॉन्स्टर हो लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए एक रहम दिया और बहुत ही अच्छा इंसान है। बिल्कुल इस मूवी में भी अगस्त्या का रोल कुछ इसी तरीके का है। खैर मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, अगर कहानी बताऊंगा तो आपका जो देखने का मजा है ना वो मजा खराब हो जाएगा, वो मजा मैं आप लोगों से छीनना नहीं चाहता। ये मूवी आप यूट्यूब पर जरूर देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद इस मूवी की कहानी शुरू होती है नित्या आर्य की हरिप्रिया से, जिसको कुछ लोग किडनैप कर लेते और उसे बचाने के लिए भेजा जाता है अगस्त्या को। अगस्त्या नित्या को बचा तो लेता है लेकिन उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको इस मूवी की एक हल्का सा मामूली सा प्लॉट बताया, क्योंकि पूरी कहानी और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप लोग खुद ही देखना। इस फिल्म में आपको एक्शन तो बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, कॉमेडी भी देखने मिलेगी, रोमांस देखने मिलेगा और बहुत ही शानदार बीजीएम देखने मिलेगा और डायलॉग बहुत अच्छे हैं इस मूवी के। हालांकि मैंने तो सबटाइटल में पढ़ा, लेकर आप लोग कन्नड़ा लैंग्वेज समझते हो तो आपको उसके डायलॉग में बहुत मजा आने वाली है। इस मूवी की जो सबसे अच्छी चीज है वो है इसका सेकंड हाफ। स्टार्ट के एक घंटा चलो ठीक है, मूवीज में आप रोमांस एक्शन देखने मिलता है, लेकिन सेकंड हाफ में आपको अगस्त्य की लाइफ के बारे में जानने मिलता है, उसके पास्ट लाइफ में क्या कुछ हुआ था वो सब कुछ जानने मिलता है, जो बहुत ही जबरदस्त था। उसके अलावा जो उसके एंड के 30 मिनट है इस मूवी के, वो तो इतने लाजवाब है, उसमें इतना जबरदस्त बीजीएम का इस्तेमाल किया, इतना जबरदस्त एक्शन और लास्ट में जो इमोशंस। मैं आपको इतना कह दूं कि अगर आप लोग एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हो, अगर आप एक मूवी लवर हो तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए, और मैं स्पेशली हिंदी ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि यार ये इस मूवी को बिल्कुल ना छोड़ना। अगर आप लोग केजीएफ चैप्टर 1 मूवी के बहुत बड़े फैन हो, अगर आप प्रशांत नील सर के बहुत बड़े फैन हो, तो आप ये फिल्म उनके लिए तो जरूर देखोगे। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, ये फिल्म देखने के बाद आपको कहीं से भी रिग्रेट फील होगा नहीं, और आप लोग यही सोचोगे कि 2 घंटे 12 मिनट मेरे कहीं भी वेस्ट नहीं हुए और कुछ अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला, कुछ गूज़बम्प्स वाले सीन देखने को मिले। और एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस मैं यहाँ पर बताऊंगा जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां पर श्री मुरली जिसका इसमें मूवी में नाम है अगस्त्या, वो एक जब गुंडे को मारता तो एक तरीके के लोग पिलर बनाते हैं, उस पिलर पे भाग के जब उसको ऐसा मारता ना, वो सीन मुझे मतलब सबसे बेस्ट सीन लगा इस मूवी का। उसके अलावा और भी बहुत सारे सीन थे लेकिन ये सीन कुछ अलग हटके था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के ये मूवी आपको थ्रू आउट फुल टू एंजॉय कराने वाली है, फुल टू ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ चीज देखे, कहीं से भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और कन्नड़ा मूवी होने के बावजूद भी आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं जाएगा, ये मूवी इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो बस मैं इतना ही बोलता हूँ कि इस मूवी को जरूर देखना। हाँ अगर परफॉर्मेंस की बात करें, श्री मुरली ने यहाँ पर रोल बहुत अच्छा प्ले किया अगस्त के, उसके अलावा हरिप्रिया का काम भी बहुत अच्छा है। अतुल कुलकर्णी जो कि आप हिंदी फिल्मों में देखोगे अतुल कुलकर्णी को, उनका काम है मगर मुझे उनका काम कुछ खास लगा नहीं, इतना कुछ खास था नहीं। तो बस यार इस वीडियो में इतना, आपको ये फिल्म देखनी तो आप इसे जरूर देखना, ये यूट्यूब पे है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ, वहां से आके देख सकते हो। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना, और हाँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अपनी तरफ से मूवी सजेस्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने सोचा कि गली पट्टा हम लोग देखेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप मुझे इस वीडियो में क्या रिस्पॉन्स देते हो और क्या आप लोग सजेस्ट करते हो। तो बस इस वीडियो में इतना, मैं आपसे कल किसी नए वीडियो में दिल जाए, दुआ में याद रखना, बाय।